गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मतलब दिखाने वाला हूँ कार सर्विसिंग। जी हाँ दोस्तों, मेरा है मारुति सुजुकी सेलोरियो 2018 मॉडल और इसका सर्विसिंग करने जा रहा हूँ। तो क्या है कि लोग मतलब गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसके बाद पता नहीं होता कि गाड़ी का खर्चा कितना होता है। हाँ, ये गाड़ी मेरा लो कॉस्ट गाड़ी है, मतलब सर्विसिंग में उतना खर्चा नहीं होता। लेकिन अगर मैं कुछ दिन पहले मेरा गाड़ी का एक टायर फट गया था तो टायर का कीमत 3700 रुपए था, 3600 रुपए था। और एक फटा तो मैंने दो ही लगा लिया था। तो आज जा रहा हूँ सर्विस के लिए, देखता हूँ सर्विस के अंदर कितना कॉस्ट निकलता है, आज मतलब क्या क्या चेंज करना पड़ता है और वही पता चलेगा आप लोगों को। वैसे मेरा गाड़ी चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मतलब टाइम टू टाइम सर्विस करेंगे तो गाड़ी का लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका सर्विस के बाद, तो दूसरा सर्विस करना जरूरी है। मतलब वो फाइनली सर्विस के लिए आ चुका है, अभी सर्विस करवाना है। ये एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर ऐसे पानी क्यों जम जाता है, पता नहीं क्या हुआ है इसका। एंड देखते हैं, अभी काम चल रहा है इधर, अभी जो है गाड़ी निकल के टेस्ट ड्राइव देने लेके जा रहा है तो उनको पता चले गाड़ी में। मेरे को तो उतना पता नहीं है गाड़ी के बारे में। अब वो गाड़ी सर्विस के लिए पूरा रेडी है, मतलब सर्विसिंग के लिए। ये फिल्टर का हालत है तो इसको अभी बोल रहा है कि चेंज कर दो, ये सही रहेगा। कौन सा सीज कर रहे हो आप, क्या ये स्पिरिट प्लग? हाँ, स्पिरिट प्लग। प्लग खोल रहा है चेक करने के लिए, देखता हूँ पीछे। ये ब्रेक शो वगैरह घिसके देता है, मतलब चारों ओर मेरा जो ब्रेक शो वगैरह है पूरा ठीक ही है। मतलब मैं ब्रेक पकड़ के ये देख सकते हो, बहुत दिन हो गए ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा गाड़ी चलाने का स्टाइल मतलब सही है, इससे पता चलता है। ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का कीमत 195 रुपीज़। मोबिल फिल्टर है, इसका कीमत है 89 रुपीज़। एंड ये वाइपर के अंदर देने के लिए 17 रुपीज़। यही है सुजुकी का, मतलब लो कॉस्ट है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। और इंजन ऑयल का कीमत कितना है, 1500 रुपये, मतलब ठीक ही है, मतलब कम ही है। टोयोटा का कितना पड़ता है पता है? आज पहली बार गाड़ी नीचे से देख रहा हूँ। ये मोबाइल फिल्टर, इसको सेंस करना ना। इंजन ऑयल डाउन दे दिया है, ऑयल मेरा सही सलामत है, उतना भी खराब नहीं हुआ है, चल सकता था, लेकिन मैंने बोला रिक्स नहीं लेने का, जल्दी से इसको चेंज कर देते हैं। एकदम तो काला हो जाता है कुछ लोग, एकदम अभी तक काला पूरा हुआ नहीं, गर्म है। फिल्टर है, मतलब इंजन ऑयल का जो फिल्टर है वो चेंज होने जा रहा है, तो ये खोल दिया है इन लोगों ने, इधर से ऑयल लीक कर रहा है। सर्विस पूरा हो चुका है लेकिन पीछे से थोड़ा साउंड आ रहा था इसके अंदर से, यहाँ से तो कहीं से एक साउंड निकल रहा था, तो वही चेक कर रहा है अभी। और शोरूम में आया, आने के बाद एक ब्रेजा मिला मेरे को, एक मतलब ये अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, मतलब अभी जो कस्टमर है उनको मिला नहीं, 8 महीना वेटिंग के बाद मतलब ये गाड़ी उनको मिला है। और यार स्टार्टिंग तो काफ़ी स्मूथ है, एकदम पूरा मस्त स्टार्टिंग है, लेकिन एक बात कहना, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला बात, इतना रुपये गाड़ी में ये चाबी मतलब की जो है मेरे को हजम नहीं हो रहा है।
यहाँ पर फुल सर्विसिंग हो गया, यहाँ पर ये एक दो तीन चार चेंज मतलब चेंज किया गया है और टोटल कॉस्टिंग जो है 1754। अभी सिर्फ ये वॉशिंग करना बाकी है, मैं वॉशिंग करके निकल लेता हूँ। मतलब मेंटेनेंस बहुत कम है, लेकिन इधर थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है, लेकिन मेरा फ्री सर्विसिंग था। अभी सर्विसिंग कंप्लीट हो गया है, अभी जो है अभी ये वॉशिंग के लिए जा रहा है। कंप्लीट हो चुका है। अरे गाड़ी सर्विस करके आते वक्त देखो रास्ता, देखो यार मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबरदस्त तूफान हो रहा है। इस तूफान के अंदर घर जा रहे हैं, अभी शाम है अभी। अब गड्ढे, मुझे पता है गड्ढे कहाँ पे, लेकिन सामने वाला जो गाड़ी है ना सिर्फ गड्ढे में डाल रहे हैं, बार बार गड्ढे में डाल रहे हैं गाड़ी। उसका गाड़ी का सामने का व्हील मतलब अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, उसको पता चलेगा। तीन बार पूरा धापा धप गड्ढे में गाड़ी डाला, लेकिन मुझे तो पता है किधर गड्ढा है, क्योंकि अपने घर जाने का एक ही रास्ता है ग्वालपड़ा से। महीने में 18 दिन 20 दिन तो हम इसी रास्ते में आते जाते हैं। तो चलो यार गाड़ी चलाते फोकस करके, वीडियो बाद में बना लेंगे अगर जिंदा बचे तो, वीडियो बनाएंगे तो मर जाएंगे अभी।